सो फाइनली दोस्तों अभी आपके सामने हाजिर है इंडिया की मोस्ट अवेटेड बाइक यामा की XSR 155 मेटालिक रेड का बिल्कुल नया वाला मॉडल, जो कि दोस्तों एक शानदार रेट्रो स्टाइलिश स्पोर्टी बाइक है। और इस बाइक को यामा कंपनी ने अभी यूरोपियन मार्केट्स में लॉन्च किया है और धीरे धीरे इस बाइक को जो है यामा कंपनी डिफरेंट मार्केट में लॉन्च करेगी। इस बाइक के इंडियन मार्केट में काफ़ी दिनों से डिमांड है, जिसे देखते हुए कंपनी इस बाइक को जो है हमारे इंडियन टू व्हीलर मार्केट में भी लॉन्च कर सकती है, जिसके बारे में आज हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि इस बाइक को कब तक हमारे इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है, इस बाइक में आपको फीचर्स क्या क्या मिलने वाला है, माइलेज कितना देती है और अगर इस बाइक को हमारे इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाता है तो इसकी प्राइस क्या होगी, उन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो में जानते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको बाइक से रिलेटेड ऐसी नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बाइक के लुक के बारे में बात करें तो लुक तो आप देख ही रहे हैं दोस्तों, जो देखने में काफ़ी रेट्रो स्टाइलिश के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रही है। बाइक की फ्रंट सेक्शन की बात करें तो इसके फ्रंट पर राउंड शेप में LED हेडलाइट का सेटअप दिया गया है, रियर में भी LED टेललाइट का सेटअप दिया गया है, जो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। इस बाइक में आपको शानदार डिजिटल मीटर कंसोल दिया गया है, जिसमें आपको सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगे। बाइक की फीचर्स के बारे में बात करें तो इस बाइक में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, राइडिंग मोड, USB चार्जिंग पोर्ट और सेफ्टी वॉइस साइड स्टैंड इंजन कटअप सेंसर जैसे काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलेगा। इसके अलावा एडिशनल फीचर्स के तौर पर इस बाइक में आपको हाई परफॉर्मेंस वेरिएबल बल्ब एक्चुएशन यानी BVA और असिस्टेंट स्लीपर क्लच का फीचर्स भी मिलेगा। तो फीचर्स जो है दोस्तों वो आपको इस बाइक में काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। बाइक के इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो इस बाइक में दिया है 155cc का 4-stroke 4-valve लिक्विड कूल इंजन, जो 19.3 PS की पावर प्रोड्यूस करता है 10,000 RPM पर और 14.7 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 8,500 RPM पर। बाइक की ब्रेक और सस्पेंशन सेटअप के बारे में बात करें तो बाइक के फ्रंट पे USD सस्पेंशन और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप दिया गया है। वहीं बाइक पे डुअल डिस्क ब्रेक के साथ साथ सिंगल चलन ABS ब्रेकिंग सिस्टम भी दिया गया है। इसके अलावा इस बाइक में काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल सीट मिलेगा, जो आपको काफ़ी अच्छा कंफर्ट देने वाला है। फाइनली अगर हम इस बाइक की प्राइस की बात करें तो इंडियन मार्केट में इस बाइक की एक्सपेक्टेड प्राइस 1,80,000 रुपये बताई जा रही है। वही लॉन्चिंग की बात करें तो आने वाले 2 या 3 महीने के अंदर यामा कंपनी इस बाइक को हमारे इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च कर सकती है। तो अगर आप आने वाले टाइम पे कोई रेट्रो स्टाइलिश स्पोर्टी बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये बाइक आपके लिए बेस्ट साबित हो सकती है। आपका इस बाइक के बारे में क्या ओपिनियन है दोस्तों, वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बाइक से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।